हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मर्सिडीज़ मेबैक GLS 600 फोमैटिक प्लस। फ्रंट से देखें तो इस कार के अंदर आपको मेबैक की ग्रिल मिलेगी और मर्सिडीज़ की इकलौती SUV है जिसमें स्टैंडिंग लोगो आता है मेबैक की ग्रिल के साथ में। नीचे जो बम्पर है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रोम वर्क दिया हुआ है। ग्रिल के अंदर मेबैक की लेटरिंग भी मिलेगी हमें और साथ में सेंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो डिस्ट्रॉनिक प्लस और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के हैं। मल्टी बीम हाई परफॉर्मेंस LEDs हैं जिसकी रेंज 650 मीटर्स हैं और इसमें कॉर्नरिंग वाले फंक्शंस भी स्टैंडर्ड ही आते हैं। इस कार की जो लेंथ है वो नॉर्मल GLS की जितनी है 5.2 मीटर्स, बट इसका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है। एक तो इसके साइड से अगर हम देखें तो इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो मासिव 22 इंचेस के आते हैं और पूरा जो विंडो पैनल एरिया है उसके अंदर ए और बी पिलर भी पूरा क्रोमिंग के साथ मिलता है हमें। नॉर्मल GLS से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एडिशनल आते हैं क्योंकि ये उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस में है और ये जर्मन मेड ही आती है इंडिया में। इसके अंदर एयर बैलेंस पैकेज, अकोस्टिक कंफर्ट पैकेज, इसके जो ग्लासेस हैं वो भी थोड़े ज़्यादा टिंटेड आते हैं। मेबैक की इसके अंदर पीछे हमें बैच मिल जाता है और अगर हम इसको बैक साइड से देखते हैं तो बम्पर के अंदर हमें एक्स्ट्रा क्रोम मिलता है। इसके अंदर कम्फर्ट कीलेस गो पैकेज भी आता है जिससे कि आप लेग स्वाइप करके भी बूट ओपन कर सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक कार है इसके अंदर एडिशनल लोडिंग्स भी लगी हुई हैं, अभी हम अंदर चल के देखेंगे उसमें क्या क्या है। फिलहाल पीछे से मैं दिखा दूं कि इसके अंदर एडिशनल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट लगाया हुआ है जिसकी वजह से स्पेयर व्हील और पीछे आ गया है तो इसके अंदर हमें बूट स्पेस नहीं मिलेगी। इसके जो ऑल सराउंड ग्लासेस हैं वो हीट इंसुलेटिंग, नॉइज इंसुलेटिंग एंड इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिंग लेमिनेटेड ग्लासेस हैं। इसके अंदर हाई पाइल फ्लोर मैट्स भी हमें स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। तो जैसे ही हम कार का गेट ओपन करते हैं ड्राइवर साइड, आप देखेंगे कि नीचे डिप्लॉयबल फुट पैग्स निकल कर आएंगे इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और मेबैक की बैजिंग है उसके ऊपर। इनफैक्ट जो ड्राइवर साइड है इसके अंदर यहाँ मेबैक की इल्यूमिनेटेड हमें स्कफ प्लेट भी मिलती है। पूरा लेदर फिनिश है इसके अंदर, आप हर तरीके से लेदर को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, वुड को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। बोमस्टर म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर ऑप्शन है कि आप नॉर्मल वाला लेना चाहें या फिर आप 3D सराउंड साउंड वाला लेना चाहें। कार का इंटीरियर जो डिज़ाइन है वो स्टैंडर्ड मिलता है लेकिन आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सीट से वाली भी स्टैंडर्ड आती हैं इसके अंदर और इसके अंदर हमें सीट का आगे हीटिंग कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, 12.3 इंच की 2 MBUX HD डिस्प्लेज मिल जाती हैं इसमें हमें, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और MBUX होने की वजह से इसके अंदर एमरजेंसी कॉलिंग फंक्शन, इसके अंदर हमें हार्ड डिस्क नेविगेशन, हे मर्सिडीज़ वॉइस कमांड फंक्शन, कम्युनिकेशन मॉड्यूल और इसके अलावा हमें इसके अंदर प्री इंस्टॉलेशन फॉर नेविगेशन सर्विसेज, प्री सेफ मिल जाता है, मीडिया इंटरफेस केबल किट भी मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग पैकेज विथ 360 डिग्री कैमरा। डिस्प्ले डिज़ाइंस के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड, क्लासिक मोड, प्रोग्रेसिव मोड, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ आप नेविगेशन वगैरह भी यूज़ करना चाहें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले डिज़ाइंस, स्टैंडर्ड डिस्प्लेज एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे स्पीड लिमिटर, पेडल शिफ्टर्स, 9 स्पीड गियर बॉक्स है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। यहाँ से हम अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एडजस्ट कर लेंगे, रीस्टार्ट, कैंसिल, स्पीड लिमिटर। लेफ़्ट साइड वाली जो डिस्प्ले है हम इसको भी टच बटन्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क नेविगेशन भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर ही 6 AC वेंट्स मिलते हैं और 4-zone ऑटोमेटिक AC मिलता है। AC कंट्रोल्स एक बार चेक करें तो यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ से आयोनाइजेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं और एयर फ्रेशनर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो की सीट्स में आप दोनों टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं और पीछे इसके अंदर एग्जीक्यूटिव सीट्स हमने एडिशनली ऑप्ट करी हुई हैं तो आप उसके अंदर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मीडिया में चलें तो ब्लूटूथ, USB, कार सेटिंग्स में चलें, यहाँ पे आपको काफ़ी सेटिंग्स मिल जाती हैं जैसे कि मैनुअल मोड, स्टीयरिंग असिस्ट, डाउनहिल स्पीड रेगुलेटर, लेन असिस्ट, व्हीकल वॉशिंग, टोइंग असिस्टेंस के अंदर एक्टिव लेन कीपिंग, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, अटेंशन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, विंटर टायर्स लिमिटर, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट, साइड रनिंग बोर्ड आपको एक्सटेंड करना है या रिट्रैक्ट करना है आप वो भी कार के अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं, या उसको ऑन एंड ऑफ करना है वो भी कर सकते हैं। सीट बेल्ट एडजस्टमेंट, अकोस्टिक लॉक, ऑटोमेटिक लॉकिंग, मिरर फोल्डिंग, इंटीरियर लाइटिंग डिलेट शट ऑफ, एक्सटीरियर लाइटिंग डिलेट शट ऑफ, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कार के अंदर हर चीज़ का ऑप्शन बहुत अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे आप एयर फ्रेशनर का भी डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, ग्लोव बॉक्स कूलिंग है, वायरलेस चार्जर है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और टेम्परेचर कंट्रोल्ड कप होल्डर्स हैं इसमें।
जो कि आपके ग्लासेस का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। टच पैड स्टैंडर्ड आएगा, साइड में डायनामिक मोड आएंगे। अच्छा, मेबैक के अंदर एडिशनली हमें मिलता है मेबैक मोड, जिससे कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कंफर्ट मोड में काम करते हैं, ताकि आपको बम्प्स बिल्कुल भी पता ना चले। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड है, कंफर्ट मोड है, इकोनॉमी मोड है। मेबैक का इसके अंदर बैच मिलेगा हमें, एयरमेटिक सस्पेंशन का बटन मिलेगा, यहाँ पे भी USB स्लॉट्स मिल जाएंगे आर्मरेस्ट के अंदर। पैनोरामिक सनरूफ स्टैंडर्ड होगी, पूरा पीछे तक ग्लास एरिया कवर अप है। एग्जीक्यूटिव सीट्स इसके अंदर लोडिंग्स में एडिशनली लगाई हुई हैं, और इनकी कॉस्टिंग हमें एडिशनली पे करनी पड़ती है, जो कि अप्रॉक्सीमेट होती है लग्जरी इंडिविजुअल सीट्स की 8,12,000 के करीब। इसमें आप फोल्डिंग टेबल्स भी अलग से ऑप्ट कर सकते हो, रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट भी अलग से ऑप्ट कर सकते हो। पीछे की सीट्स में अगर हम एग्जीक्यूटिव सीट्स लेते हैं, तो यहाँ आप इसको डिक्लाइनिंग, इनक्लाइनिंग, एक्सटेंडेड काफ सपोर्ट सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पीछे का रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 5,00,000 रुपीज़ के करीब होती है। सीट्स का रिक्लाइनिंग एंगल बहुत अच्छा है, हीटिंग वेंटिलेशन सबके साथ में आएगी, मसाजर्स भी आएंगे, हर जगह मेबैक की बैच मिलेगा आपको। चारों ही डोर्स सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन के साथ में आएंगे। इसके अंदर हमें सेंटर में AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप AC वेंट्स एडजस्ट कर लेंगे, इसके नीचे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर सीलिंग के अंदर भी हमें AC वेंट्स मिलेंगे, स्पीकर्स मिलेंगे। जो क्रैब हैंडल्स हैं ये भी लेदर फिनिशिंग के अंदर हैं, क्रोम बटन्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स भी दिए हुए हैं। आप पीछे की सीट पर बैठे ही सारे कर्टन्स एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो रूफ का कर्टन हो या साइड कर्टन्स हो या चाहे वो साइड ग्लासेस हो। व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें, और ऊपर सीलिंग के अंदर भी हमें एम्बियंट लाइट्स दी हुई हैं इसमें, तो रात के टाइम पे बहुत अमेजिंग लगती हैं। अब चलते हैं रियर MBUX में, जो कि ऑप्शनल है लगभग 5,18,000 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्टिंग के साथ में। ट्रिम, मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे भी हमें टेम्परेचर कंट्रोल कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हीटिंग और कूलिंग बोथ, छोटा स्टोरेज स्पेस, 2 USB स्लॉट्स दिए हुए हैं दोनों साइड में, वायरलेस चार्जर है, यहाँ MBUX टैबलेट आएगा, जिससे कि आप म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एडिशनली रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट ऑप्ट करा हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 2,38,000 रुपीज़ की एडिशनल रहती है। इसके अंदर भी कूलिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 मोड्स हैं कूलिंग के। व्यू काफ़ी अच्छा, लग्जूरियस और लेग रूम बहुत अमेजिंग मिल जाता है आपको इसके अंदर। अब आ जाते हैं इसके MBUX में, जो कि हमें टच स्क्रीन मिलता है, नेविगेशन स्टैंडर्ड, रेडियो, मीडिया, कंफर्ट पैकेज जो कि मेन है इसका। सबसे पहले इसी में चल के देखते हैं। हमें पीछे काफ़ी तरीके की मसाजेस मिल जाती हैं, हॉट रिलैक्सिंग मसाज, शोल्डर मसाज, साइड बोल्स्टर्स आप एडजस्ट कर सकते हो इसमें, सीट कंफर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, सीट की सेटिंग भी आप इलेक्ट्रॉनिकली इसी में से एडजस्ट कर लेंगे, अगर आप साइड बटन से यूज़ करना ना चाहें तो, चाहे वो हेडरेस्ट हो या कफ सपोर्ट हो या थाई सपोर्ट हो। सीट का क्लाइमेट कंट्रोल भी आप एडजस्ट कर लेंगे, हीटिंग करनी है या वेंटिलेशन करनी है या फ़ैन कितनी स्पीड में चाहिए। लंबर सपोर्ट भी आप एडिशनली एडजस्ट कर सकते हैं, और साइड बोल्स्टर्स भी आप एडिशनली एडजस्ट कर सकते हैं। एम्बियंट लाइटिंग भी आप इधर से ही चेंज कर लेंगे, और लाइक अदर मर्सिडीज कार्स इसके अंदर भी हमें 64 कलर्स की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। जितने भी सन ब्लाइंड्स हैं आप वो भी सारे यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी सन ब्लाइंड आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन ऑल, क्लोज ऑल, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राउज़र भी दिया हुआ है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हो तो आप यहाँ पे इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं, हालांकि इंडिया के अंदर ये थोड़ा स्लो चलता है, इतना ज़्यादा अभी सक्सेसफुल नहीं है। देन सेटिंग्स भी हैं, जिसमें आपको ब्राइटनेस, एंटरटेनमेंट, कुछ वाईफाई कनेक्ट करना है, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के नेक्स्ट लेवल लग्जरी है इसके अंदर, बहुत अच्छा लेग रूम, बहुत अच्छा कंफर्ट, इनफैक्ट जो सस्पेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इंसुलेटेड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, बाहर का साउंड बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत रिफाइंड इंजन है। अब हम इसको बंद करके एक बार ये इसके मेन इंजन की तरफ आ जाते हैं। नीचे मर्सिडीज मेबैक के पेडल्स भी मिलेंगे, और नीचे से ही हम बोनट ओपन करेंगे इसका।
सॉफ्ट डोर क्लोजिंग से गेट्स बंद हो जाएंगे। अब हम आते हैं कार के एक्चुअल मेन पार्ट, जो इसका इंजन है जो इसे डिफरेंट बनाता है। इट्स अ 4 लीटर V8 इंजन, 557 हॉर्स पावर, और इलेक्ट्रिक बूस्ट से हमें 22 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा मिल जाती है। 0 to 100 ओनली 4.9 सेकंड्स है। टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा 730 Nm है पेट्रोल इंजन के हिसाब से। टॉप स्पीड 250 किलोमीटर्स पे लिमिटेड दी हुई है क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है। टैंक कैपेसिटी 90 लीटर्स की है और रिजर्व कैपेसिटी 9 लीटर्स की है इसकी। मर्सिडीज़ की बाकी कार्स की तरह इसकी भी 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी स्टैंडर्ड आती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।